पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार की फायर आर्म इंजरी का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, गोंडा से युवक सुनील शुक्ला की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। गोली लगने से नहीं हुई थी युवक की मौत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने धारदार हथियार व पेशकश से की थी युवक की हत्या। युवक सुनील शुक्ला को गोली मारने के आरोपी प्रिंस शुक्ला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके ओहले पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर शव कराया पोस्टमार्टम। थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के सिसई मेठिया चौराहे के पास हुई थी घटना। सर, उमरी बेगमगंज मामला से क्या मामला है, क्या कार्य की उसने अभी तक? और जनपद गोंडा थाना उमरी बेगमगंज में 1 और 2 फरवरी की रात में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करके घायल कर दिया गया था, जिसके संबंध में धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो है इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें ये बताया गया था चुनैती को लेकर के और गोली मारकर हत्या की गई थी। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार की फायर आर्म इंजरी का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है, और उसमें किसी चोट के कारण जो है गले में चोट हुई थी, जिसकी वजह से हेमाटोमा लिख करके आया हुआ है। और जो अभियुक्त जो प्रिंस तिवारी को जो कल गिरफ्तार किया गया था, उसने पूछताछ के दौरान ये बताया कि ये मारपीट के दौरान जो है उठा पटक हुआ था, उसी दौरान जो प्रिंस तिवारी और उसके साथी ने उसके गले में पेचकस से वार किए थे, जिसका चोट था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। और इसमें जो छिनैती वाला प्रश्न है वो नहीं पाया गया था। आमने सामने गाड़ियां आ जाने की वजह से दोनों में विवाद हुआ था, उसके बाद मारपीट कर लिए थे सर। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी घटना का जो है अनावरण किया गया है, और उसमें जो साक्ष्य मिले हैं साक्ष्यों के आधार पर उसको एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दूसरा जो उसमें संलिप्त है उसकी तलाश की जा रही है, जब पता चल गया उसका भी, और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।